कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप बताएं कैसे हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन. सबसे पहले हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. जी थानू भी और हिट हॉट व्यूअर्स सारे नु वेखदे होए दर्शकों नु फैंस नु सज्जन वेलिया नु हैप्पी म्यूजिक डे। रब सलाम करे। राइट. सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए. सो बिफोर द लाइव के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि प्लीज हमें आपके साथ लाइव आने की बात करनी है. सो हम थोड़ी सी इंटरेक्शन करते हैं, फैंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी पिक कर लेंगे. राइट सर? श्योर जी, मिलना तो परिवार के साथ मुश्किल हुआ है, इस टाइम पे थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी भी टाइम फुर्सत मिली, कभी मौका मिला जरूर मिलेंगे उनसे। राइट श्योर. यस सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. कैन कैन यू प्लीज चेक? मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ जी, थोड़ी सी. आप कैसी आ रही है? आई थिंक इट्स बेटर. यस राइट. ठीक है जी. जी राइट. तो आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है. यासिर, जैसे कि मैंने पहले हिट और फैमिली को भी बताया कि आज बहुत खास दिन है और हमारे साथ एक खास मेहमान, यानी कि आप जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले थे तब. सो आप बताइए, वर्ल्ड म्यूजिक डे है और म्यूजिक के साथ आपका जो रिश्ता है कि कैसे और कब शुरू हुआ? म्यूजिक जो है हमारे फैमिली से था, ओके. और हमारे बुजुर्ग सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे आवाज उनकी, बड़ी अच्छी पोइट्री थी उनकी, तो बस ये फैमिली से वरदान मिला है जी। ओके. जी सो कब से मतलब आप सीख रहे हैं, बचपन से ही, या आपको बाद में लगा कि नहीं या मुझे सिंगिंग में जाना जो चाहिए? मेरे चाचू थे वो प्रोफेशनल सिंगर थे, बचपन से ही सीख रहा हूँ, ओके. पंजाब में आके मेरे जो गुरु हैं वो तेजवंत किटू जी हैं, यहाँ से लुधियाना से जी, उनसे तालीम हासिल की हमने। ओके. राइट. सो म्यूजिक यासिर के लिए क्या है? अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक और यासिर का क्या, कैसे देख रहे हैं हम इस चीज को? जी म्यूजिक हमारी रूह की खुराक है, क्या बात रूह की खुराक है, उसके बिना मतलब कि अगर पहले शौक थी फिर आदत फिर मजबूरी बन गई। है. जी अच्छा, जी 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 तो पर आप इसे मजबूरी क्यों कहते हाँ हैं? जी, अभी आपने आप इसे मजबूरी क्यों कह रहे हैं? गाना मजबूरी है, नहीं गाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसे खाएंगे नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे ना, वैसे अभी महसूस होता है कि मजबूरी बन गया भाई, गाना ही गाना है। ओके, क्या बात. जी सो आप सब पे बहुत फेमस है, बहुत ही जी ज्यादा. जी 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 माशाल्लाह। जब आपने लिखी तो आपको लगा, हाँ जी बताइए, हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज। जब आपने लिखे, जब आपने रिलीज किए, तो आपको लगा था कि आपको इतना प्यार मिलेगा? एक्चुअली कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, कुछ ऐसे आपकी कंपोजिशंस होती हैं जिससे आपको उम्मीद होती है, बट इतनी जी उम्मीद नहीं थी कि जी नॉन पंजाबी भी ऐसे लाइक दिल्ली में या और पैन इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सुनेंगे, इतना प्यार देंगे, उस चीज की उम्मीद नहीं थी, बट बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिन जिन्होंने भी सुने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना प्यार दिया आपने। राइट. उम्मीद करते हैं आपको ऐसे ही और प्यार जो है जनता से मिलते रहे, मिलता रहे हमेशा. आमीन, थैंक यू। सो अब म्यूजिक डे है और इस मौके पर कुछ तो हम सुनना चाहेंगे आपसे. जी हिट हॉट के लिए हमारी जान भी हाजिर है, बहुत अच्छी है, हाय. उसके मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और ऐप खुद में बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स भी जी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जरूर तुसी आज हिट हॉट ऐप डाउनलोड करो, इट्स अमेजिंग ऐप, मैं इहदा ब्रांड एम्बेसडर भी हैगा, ते मेरी शॉर्ट वीडियोस ज्यादा तो ज्यादा तुहानू इत्थे मिलणगियां, और बाकी प्लेटफॉर्म ते घट वध मिलणगियां, बट तुसी जरूर हिट हॉट ते जाओ, तो जरूर जी जरूर सुनाऊंगा मैं, वहीं से शुरू करता हूँ, यहाँ से हमने अपनी गायकी का सफर शुरू करा था टप्पों से। वे कोई तारा न लिशक दिया, तारा
कोई तारा ने लिशक दिया, कोई तारा ने लिशक दिया, तेरी वे मैं नबज वखी, तेरी वे मैं नबज वखी, तेनु मर्जा वे इश्क दिया, तेरी वे मैं नबज वखी, तेनु मर्जा वे इश्क दिया। काले कपड़े वे पाए हुए ने काले कपड़े वे पाए हुए ने उना तेनु लुट लेना जेड़े अपने बनाए हुए ने उना तेनु लुट लेना जेड़े अपने बनाए हुए ने। एक मेरा टप्पा था वेरी फनी, ओ तेनु रुसे नु मनावांगे हो वे तेनु रुसे नु मनावांगे तेनु रुसे नु मनावांगे जे फिर भी ना तू मन्ने आ तेनु मर्चा खवावांगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, अमेजिंग। आपने इतना कुछ लिखा है, इसमें से आपका जो फेवरेट है वो क्या है, कौन सा है? कोई तारा लिशक दिया तेरी मैं नब्ज वेखी, जे सूफियाना बात है। सो जिन्हें भी तुसी मेरे भी इंस्टाग्राम ते लाइव इस वेले हो ही हॉट पेज ते लाइव हो, जरूर तुसी जाके असी बायो विच इहदा लिंक भी पावांगे, हिट हॉट ऐप तुसी जरूर डाउनलोड करो ते सानू जरूर प्यार दो। थैंक यू सो मच। हुकम गए राइट right. जैसे कि आपने बोला कि हिट हॉट तो आपकी जान है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी हिट हॉट की जान हो और हमारे बहुत ही खास ब्रांड एम्बेसडर तो हो ही। थैंक यू सो मच जी। हिट हॉट के साथ जुड़ के काम करके बड़ा अच्छा लगा, और जितनी अच्छी मैनेजमेंट है जितनी अच्छी ये ऐप है उतनी पीछे जो बैक एंड पे टीम है माशाल्लाह बहुत मेहनत करने वाली है, और बहुत जल्दी ये नाम बना रही है इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे अच्छी बात है जो कैश प्राइस होते हैं और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। सो जिन्हें भी तुसी देख रहे हो जाके इतने बहुत सारे कंटेस्ट लेके आंदा हिट हॉट, तुसी वो विन करो ते वो जड़ा कैश प्राइस है यासिर हुसैन आप तुहाडे घर लेके आएगा। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी कि जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं लाइव में वो जरूर हिट हॉट को फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करें। बेस्ट चीज उसमें अलग अलग सेगमेंट दिए हुए हैं, पोएट्री के, शायरी के, कोट्स के, पोएम्स के, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो कॉन्टेस्ट जो है होते रहते हैं, सो फैमिली आप लोग प्लीज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और पहले भी यासिर हुसैन जो है वो आए थे, घर गए थे विनर की कैश प्राइज के साथ, ऐसे और कॉन्टेस्ट के साथ अमृतसर साइड कहीं गए थे तरन तारण में। जी जी जी, तो वहाँ पे हमने कैश प्राइज घर में जाके दिया था। जैसे कि आज आपने बताया, अभी हमने इतनी हिट हॉट की डिस्कशन कर लिया, ब्रांड एम्बेसडर भी हो, सो अभी सफर कैसा जा रहा है हिट हॉट के साथ? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। और हमारा हिट हॉट ने हमारा अभी यूके टूर आए हैं, इसमें भी इनकी बहुत स्पॉन्सरशिप्स हैं, और जहाँ पे हमारे शोज कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि हमारी हिट हॉट ऐप के बलबूते पर हम यहाँ पे शोज करने का यहाँ पे मौका मिल रहा हो, बिगनर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, और यही मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो इतनी अच्छी ऐप बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेस। राइट, थैंक यू सो मच यासिर। अब मैं कोई बात बताइए कि आपने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ पेश किया, अब नया फैंस के लिए क्या लेके आ रहे हो? आई एम श्योर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और फैंस भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस चीज के लिए। जी जी, नए बहुत बहुत अच्छे। हाल ही में हमारा परमेश जी के साथ गाना आया था, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा कोलैबोरेट आ रहा है हनी सिंह जी के साथ, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा हमारा। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कल हमारी मीटिंग थी यहाँ पे सुखशिंदर शिंदा जी, बहुत पॉप्स हॉप हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के भंगड़ा किंग रहे हैं वो, उनके साथ भी कोलैबोरेशन आ रही है हमारी। तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं। हाल ही में हमारा एक मूवी शरीक 2 मूवी है उसका जी उनका भी गाना मैंने गाया हुआ है, तो जरूर सुने, इंशाल्लाह अच्छे गाने आपके लिए लेके आएंगे।
क्या बात है, वी आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर दिस। या सिर्फ कुछ फैंस के रिक्वेस्ट हैं, सो मैं चाहती हूँ बीच बीच में हम वो भी पिक कर लें, श्योर राइट? श्योर 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 जी, फैंस करके दे जी, इतने बैठे हैं जनाब, फैंस का दिल। बिल्कुल जी, राइट। एक प्रशिक नगमा 93, वो कह रही है कि गाना सुनाओ प्लीज। ओके नगमा जी, कहाँ से हैं? मुझे पता नहीं है, प्लीज नगमा जी मेंशन कर दीजिए आप कहाँ से हैं। उनमें ये लिखा है एक गाना सुनाओ प्लीज। रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं जी, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। किस बात का रोना है जी, किस बात पे रोते हैं, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डबोते हैं, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डबोते हैं। थैंक यू। क्या बात है। प्रीति चड्ढा 104, वो कह रही है कि इट्स अ रिक्वेस्ट कि सिंग जुगनी की 2 लाइंस प्लीज। आई थिंक ये जो फैंस हैं सब कुछ बातें नहीं पूछेंगी, सभी गाने के लिए गाने भी नहीं गएंगे। तुसी कुछ गल्ला पूछो जनाब, मजा आएगा गल्ला बातें करन दा। ए वे अल्लाह वालिया दी जुगनी जी, ए वे पीर मेरे आ जुगनी जी, ए वे अल्लाह वालिया दी जुगनी जी, हो दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू, ओ दम गुटकू गुटकू, करे साई नाले कलमा नबी दा, पड़े साई ओ पीर मेरे आ जुगनी जी, ए वे अल्लाह वालिया दी जुगनी जी। क्या बात है, बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी। थैंक यू। बाकी मैं एक बार फिर फैंस को कहना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछिए। गाने तो हम सुनते ही रहेंगे यासिर जी से, कुछ क्वेश्चंस भी अगर आप पूछना चाहते हो उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, सो प्लीज आप क्वेश्चंस जो है मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में, सो वो हम पिक करेंगे, राइट? सो यासिर, अभी आप समय बाहर हैं, फैमिली से दूर है, सो कैसे कैसे फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, इंग्लैंड में घूम रहे हैं फैमिली से दूर जरूर है, अपने फैनों से दूर जरूर है, लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं, तो दूर नहीं कह सकते हम, दिल दिल के करीब है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, काम के लिए आना पड़ता है, हमारा यहाँ पे टूर है, तो अच्छा लग रहा है। राइट। आप हाल ही में कपिल शर्मा के शो में भी आए, राइट? आप लोगों ने बहुत मस्ती की, आपने टप्पे सुनाए, गुरु रंधावा जी एंड सब, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक ड्रीम था, सपना से भी बड़ी बात थी, और एक्सपीरियंस ये था कि जितने बड़े नाम हैं उतने ही ये फकीर लोग हैं सब, माशाल्लाह इनके भी है, हनीफा जी, गुरु साहब, कपिल शर्मा साहब, बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ा कुछ नया इंशाल्लाह करने को मिला हमें। राइट। सो यहाँ पे हर्ष 61 कुमार मिसिंग लव फ्रॉम जम्मू सर। ओ जम्मू जम्मू शहर करोड़ मिठे, लव यू भाई, खुश रहो यार, आबाद रहो, जम्मू हमारा ऐसा स्टेट है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के अखरोट भी मीठे हैं और लोग भी मीठे हैं, तो जी हमें प्लेटफॉर्म बहुत। सर आप बताइए, लाइक कभी तुसी आई थिंक
जी हुकम जी सर, कदे तुसी गल्ला कीतीआं इकरार दीआं किसे वी किसे दे नाल? हाँ जी, जिन गल्ला नहीं कीतीआं इकरार दीआं ओह तां दुनिया ते ही नहीं आया क्या बात है, कुछ कुछ बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे सो जो देखते हैं बातें बेसिकली क्वेश्चन जी इकरार की सच्ची साफ पाकीजा बात अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए। अगर आपको दुनिया जीतनी है, अपने माँ बाप का ख्याल रखें तो उनकी नफ्स पकड़ें, क्योंकि वो कभी बोल के नहीं बताएंगे बेटा हमें ये लेना है, बेटा हमें ये करना है। उनकी नफ्स पकड़ें और उनको बिना बोले आप खुश रखें, उनको दुनिया घुमाएं, उनकी बस आपने उनको खुश रख लिया, दुनिया जीत लोगे, यही कहना चाहूंगा। मैंने मैंने आपके बारे में इतना सुना है, आप कितने इंटरव्यूज देखे हैं, एंड आई मस्ट से यू वन ऑफ दोस सिंगर्स जो आने वाली पीढ़ी को इतना इन्फ्लुएंस कर ले कि हम इतने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ें। सो फॉर श्योर आई मस्ट से यासिर, आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आजकल की जनरेशन के लिए, स्पेशली कि वो अपने घरों को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के कहीं और रहने चले जाते हैं, राइट? वो चीजें ना करके अपने पेरेंट्स को साथ रखें। बिल्कुल जी बिल्कुल, माँ बाप देखो हम अपनी दुआओं को ही छोड़ देते हैं। खुदा ने जिनके कदमों पे जन्नत रख दी, उस जन्नत को घर से बाहर निकाल देते हैं तो खुद नर्क में ही जाएंगे, दुनिया में भी नर्क मिलेगी और आखिर में भी। सो अपने पेरेंट की सेवा करके उनको खुश रख के ही हम कामयाब हो सकते हैं, जी मेरा मानना है। इसलिए सबसे मेरी यही गुजारिश है, जिनके माँ बाप सलामत हैं और उनका बहुत सारा ख्याल रखें, जैसे उन्होंने आपको बचपन में पाला था, पोसा था, बड़ा किया, वैसे आप उनको ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें। राइट, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार वो भी देख लेती हूँ मैं साथ साथ, कि बहुत क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं और ज्यादा गानों के आ रहे हैं कि प्लीज गाने हो जाए, एक टप्पा हो जाए। सो लव फ्रॉम जम्मू विकास ले, इट्स योर्स माधवी। इसके अलावा और भी मैं फैंस को कहती हूँ कि प्लीज कमेंट दोबारा कर दीजिए कि आप, अच्छा शायरी का भी आ गया है, चिराग एसपी कह रहे हैं कि सर शायरी प्लीज। बेकदरां दी यारी नालों ते ना ही यार बनाइए, बेकदरां दी यारी नालों ते ना ही यार बनाइए, सप्पा आखर डंगना हुंदा भावें जिन्ना दुध पियाई। सो यारी दोस्ती सोच समझ के लाओ। क्या बात है, क्या बात है। आप जितना भी कुछ लिखते हैं मैं जानना चाहती हूँ कि कितना, लाइक ऑब्वियसली हर चीज किसी ना किसी इंसान की स्टोरी से प्रेरित हो जाती है, राइट? क्योंकि तभी हम रिलेट करते हैं। आपके जितने टप्पे हैं मैंने सुने, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो रिलेटेबल बहुत ज्यादा है। लिखते हैं ओ, ये तो मेरी कहीं चीज लिख दी, या मेरी आप बीती लिख दी आपने। सो अपने से इंस्पिरेशन लेकर ही आप ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, या आसपास जो हो रहा होता है वो भी ज्यादा प्रेफर करते हैं पिक करना जी और उससे लिखना? जी अपने से भी जो आसपास हो रहा वो भी देखते हैं, और हमें दुनिया में जाने का आने का बहुत मौका मिलता है, बहुत चांसेस मिलते हैं, और लोगों की प्रॉब्लम्स हम बड़ी नजदीक से देख लेते हैं। जी तो बस वही बस दिमाग में थॉट आता है तो माशाल्लाह। और यासिर जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो यासिर तब क्या करते हैं? माशाल्लाह स्ट्रेस में होता हूँ, यासिर जी सिंगर तो लोगों के स्ट्रेस दूर करता, खुद अगर स्ट्रेस में चला गया फिर क्या करेगा। तो ये खुदा की बड़ी देन है, हम स्ट्रेस में नहीं होते, बड़ा शुक्र है खुदा का। शुक्र सबर करता है जिसको आता है ना, अगर खुशी मिल रही है तो उसमें शुक्र करो, अगर गमी मिली उसमें सबर करो, स्ट्रेस तो दूर दूर तक नहीं आएगा। आपको भी यही बोलूंगा, जो व्यूज बिल्कुल सुन रहे हैं वो भी, जब आपके पास बड़ी अच्छी चीजें आती हैं, खुशखबरी आती है, जॉब्स आती हैं, पैसा आ रहा है, आप शुक्र किया करो उस खुदा का। जब नहीं है तो सब्र किया करो, स्ट्रेस टू जी माड़ी चीजें ऐसी लागे नहीं आन दें। एक फैन पूछ रही है कि सर आप इस बार मोहाली गणेश चतुर्थी पे आओगे? वी आर वेटिंग फॉर यू सर। हाँ प्रीति जी चड्ढा है 104। इंशाल्लाह हमारे
जी, हम गणेश उत्सव हमारे रमेश दत्त जी हैं, बहुत प्यारा बड़े भाई के साथ उनके साथ। तो हमारा वैसे इंग्लैंड टूर है, अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे होता तो हम जरूर आएंगे। वैसे आई थिंक उन दिनों हमारा इंग्लैंड टूर है यूके, फिर भी हम ट्राई करेंगे पूरी। ओके, एक टप्पा हो जाए प्लीज, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। काला कपड़ा पाए हुए वाला टप्पा, बार बार इस चीज की रिक्वेस्ट आ रही है। ओके सो अब मुझे सुना जी, चुके हैं, अगर और सुनाना चाहते तो प्लीज पेश किया जाए। ओके जी। काले कपड़े वे पाए हुए ने, काले कपड़े वे पाए हुए ने, नियो तेरे की लग दे, और जड़े गल नाल लाए हुए ने, नियो तेरे की लग दे, जड़े गल नाल लाए हुए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू सर। यासर मुझे एक बात बताइए, आप हमारे साथ इतने फैंस जुड़े हैं, फॉर श्योर इसमें से काफी लोग होंगे जो सिंगर्स बनना चाहते होंगे, राइट? दे वांट दे विश टू बी अ सिंगर वन डे लाइक यू फॉर श्योर। सो उनके लिए कुछ एडवाइस या कुछ सीक्रेट टिप्स जो होते हैं वो देना चाहोगे तो क्या दोगे जी, आप? बिगनर्स के लिए मैं यही कहूंगा, बिगनर्स सबसे पहले तो हिट हॉट ऐप डाउनलोड करें, उसमें शॉर्ट वीडियोस बनाएं, तो इस पे अपलोड करें। ये तो पहले आपको कैश प्राइस देंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्राइस, पता नहीं क्या क्या दे दें। एक बार हम आई थिंक वो कंटेस्ट भी आएगा, जो फॉरेन ट्रिप के लिए भी लेके जाएंगे, जो उनका वो कंटेस्ट विन करेगा, पता नहीं ये कब अब सरप्राइज अपने व्यूअर्स को देता है। हिटहॉट तो बड़ा अच्छा ऐप है, यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो ऐप जो सबसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए, लाइक मी, आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करें और जो भी आपका क्लिक हो जाएगा, पता नहीं क्या चीज, किस में बरकत होगी, कब आपके दिन चेंज होने हैं, तो बस अल्लाह ने तो पागला देने, सानू भी इतों लगने जी। राइट, सो भाई यहाँ पे एक सवाल है, जशन ग्रोवर 0786 पूछ रहे हैं, भाईजान अजमेर शरीफ कब आओगे दरगाह हाँ पर? हाँ लव फ्रॉम भाईजान, आप दुआ, मैं लास्ट टाइम हमारा एक उदयपुर शो था, हम आते हुए आए हुए थे अजमेर शरीफ, और नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा मैं पहले पोस्ट डाल दूंगा जी, एक दिन पहले, कि हम कितने बजे आ रहे हैं। तो अजमेर शरीफ से भी जितने माशाल्लाह, हम तो उनके मुरीदों के आशिक हैं, फिर भी हमें कुछ आने वाला होगा, जरूर हम आपसे भी वहां पे मिलेंगे। तो इसमें मैं ना, जो हमारे ब्रदर कुछ दिन पहले हाल ही में हमें अलविदा कह के चले गए, हमारे भाई, बड़े भाई सिद्धू मूसेवाला भाई, उनके लिए कुछ गाना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो जितने भी व्यूअर्स हैं आप जी जरूर सुने, तो जब भी आपको मौका मिलता है आप उनके घर से जरूर होके आए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने माँ बाप नो थोड़े प्यार दी बहुत सख्त जरूरत है। इंशाल्लाह मैं भी जदों इंडिया आया जरूर जावांगा, ते उन्हां लई मैं गाना चाहना सिद्धू वीर लई। इमोशनल गलबात है यार, उन्हां दे माँ बाप लई बहुत वड्डा घाटा, साडे म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादा घाटा हैगा ही। ऐसा वो है कि मुकाम, आई थिंक वहां पे वो अचीवमेंट हासिल करने वाला फनकार फिर से आई थिंक पैदा होगा कि नहीं, जितना बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया था। फिर भी उनके लिए दो लाइनें गाना चाहता हूँ। मन विच वसदे सजना वे रहीना, अखियां तो दूर मन विच वसदे सजना वे रहीना, अखियां तो दूर तू की जाने सजना मैं इत्थे किन्नी मजबूर, मन विच वसदे सजना वे रहीना, अखियां तो दूर तू ते कहिंदा सी तू आउणा जाके, खत भी ना पाया मनु भुल जान वालिया, जावे ना भुलाया याद तेरी बन गई सजना वे साडे, सीने च नसूर मन विच वसदे। साडे दिलां विच, साडे मन विच ऑलवेज जिंदा रहेगा भाई। लव यू शीतू भाई, थैंक यू सो मच जी मैम। बिल्कुल,
और आज इस वर्ल्ड म्यूजिक डे पे आपने और इमोशनल कर दिया, और हम सब जी उनको बहुत याद करते हैं, और ऑब्वियसली हमेशा वो अब नहीं है लेकिन हमारे साथ अपने गानों के जरिए हमेशा रहने वाले हैं। हमेशा जी, हमेशा जी, हमेशा। जी बिल्कुल। सो थोड़ा सा अगर मैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करूँ तो किस तरह के वो इंसान थे यासिर? वो बड़े मिलनसार रूह से हमारी मुलाकात हुई थी परमीश वर्मा जी की मैरिज पे, और बहुत हम्बल, जितना बड़ा नाम है इतने ही वो धरती से जुड़े हुए इंसान थे। सबसे मिले, सबके साथ इवन की सबके साथ उन्होंने डांस भी करा। बड़ी अच्छी रूह थी, बड़ी अच्छी रूह थी, इसलिए अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी जल्दी इतने मुकाम पे पहुंचाया। रब जिथे भी साडा वीर है गानू राजी रखे, ते असि बहुत सारा मिस करते हैं वीर। जी मैम हुक्म करें। जी, थैंक यू सो मच यासिर, आपसे बात करके बहुत ज्यादा मजा आया, एंड जैसे ही आप वापस आते हैं जरूर हम लोग मिलेंगे भी फॉर श्योर। जरूर अभी जरूर तो हिप हॉप फैमिली के साथ बहुत आगे तक हमने जाना है। जरूर जरूर। जिन्हें भी तुसी मेरे इंस्टाग्राम ते हो हिट हॉट ऑफिशियल दे पेज ते हो, तुसी हिट हॉट ऑफिशियल नो इंस्टाग्राम ते फॉलो करो, नाल हिट हॉट ऐप मैम लिंक वगैरह भी उदा पा देंगे। जरूर तुसी हिट हॉट ऐप डाउनलोड करो ते कैश प्राइज इनाम जीतो, बिगनर्स लिए बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच यासिर, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते एक कुछ प्लीज हो जाए। ओ शहर चंडीगढ़ चले आ, टंडड़ा शहर चंडीगढ़ चले आ, लवांगे नजारे बल्लिए नी पावे कलम कले आ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहो, थैंक यू सो मच आबाद रहो। यासिर, राइट, थैंक यू सो मच यासिर, वी विश यू लक, एंड इस वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हम विश करते हैं हिटहॉट की तरफ से कि आपको और बहुत ज्यादा प्यार मिले हर थैंक यू किसी सो मच, का, और आप थैंक ऐसे ही अच्छे चीजें लेकर आओ और हमें एंटरटेन करते हैं फैंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू, सो थैंक यू हिटहॉट फैमिली, आप लोग हमारे साथ जुड़े, सो वी आर टेकिंग ऑफ। थैंक यू सो मच हिट ऑट फैमिली, आप लोग हमारे साथ जुड़े। अब हिट ऑट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसपे बहुत कॉन्टेस्ट जो है वो चलते रहते हैं, यू कैन ऑल्सो विन कैश प्राइजेस। सो हिट ऑट ऐप को अभी जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे, गूगल स्टोर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हिट ऑट ऑफिशियल को अभी फॉलो भी कर लीजिएगा उनका इंस्टाग्राम पेज। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और लाइक और इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक कीप मेकिंग वीडियोज।